सच तो ये है कि मैंने देखा नहीं है, बट मैंने ऑफकोर्स एवरीबडी नोज अबाउट संजीवनी. इट्स सच अ बिग ब्रांड टू बी एसोसिएटेड विद, और मेरे लिए, और इतनी खूबसूरत रिकॉल वैल्यू है. बच्चा बच्चा जानता है यार, बड़े बड़े भी जानते हैं. मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप संजीवनी कर रही हैं, तो द आइडिया ऑफ डूइंग संजीवनी वाज बिकॉज संजीवनी बहुत बड़ा ब्रांड है, एंड ऐसे एसोसिएट इतने बड़े ब्रांड के साथ, आई थिंक ये दिस इज़ माई लक. मैंने कहा ना, मैंने देखा नहीं है, बट ऑफकोर्स एवरीबडी नोज के हमारे सुंदर डॉक्टर जूही थी, वेरी हैंडसम लुकिंग डॉक्टर शशांक थे, मुनीश जी, एवरीबडी. एंड आई हर्ड दैट वो बहुत लंबा चला था और बहुत अच्छा चला था. सो डॉक्टर ईशानी एक तो फर्स्ट ईयर रेसिडेंट है और बहुत ही स्पिक एंड स्पैन जर्मोफोबिक है. उसको थोड़ी सी कोई हाथ वाथ लगा देता है तो ऐसी हो जाती है थोड़ी सी, यू नो, शी टेक्स दूर रहती है. कुछ बहुत ही राइटियस है अपने नेचर में, अपने अप्रोच में. गलत होते देख नहीं सकती, अगर गलत होता देखेगी तो सीधे कंप्लेन कर देगी. और बहुत ही एक एक बैगेज लेके चल रही है अपने माँ बाप का. कुछ जो नाम यू नो ख़राब था, जिनके वजह से वो ये सही करने आई है, मैं प्रूव करने आई हूँ. और सबसे अच्छी खासियत है कि अगर मैं आज आपको देखूं और मुझे ऐसा लगे कि आप में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं फट से डिटेक्ट कर लेती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस ट्रेट अबाउट हर. काफ़ी गुड. सबसे पहले तो हमने सीखा कि ग्लव्स कैसे पहनते हैं, और जब आपके पास इतनी सारी अंगूठियाँ हो तो ग्लव्स तो फट ही जाते हैं. बट उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया ग्लव्स, बीपी कैसे चेक करना. आइए मैं आपका चेक करूँ. मशीन होती तो मैं आपका चेक करती थी. बीपी किसका चेक करना बता दीजिए. राकेश का. राकेश जी आपका बीपी चेक करते हैं. हमें स्टेथोस्कोप की हार्ट बीट कैसे सुनते हैं, कितनी बीट्स होती हैं, सिरिंज को कैसे खोलते हैं और कैसे लिक्विड डालते हैं. काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं यार. बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब इतने इतने टर्म्स मैं सीख रही हूँ. मतलब अपनी लाइनें जो बोलती हूँ वो तो अलग है, बाकी जो टर्म्स यूज़ करती हूँ मेडिकल टर्म्स बड़े इंटरेस्टिंग है. मेरी मम्मी आ जाएंगी और बहुत पापा भी आए, बहुत खुश होंगे. देखो बेटी मेडिकल तो कर नहीं पाई, डॉक्टर बन नहीं पाई, तो कम से कम टीवी में ही डॉक्टर बन ली. सो आई थिंक दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड. पहले आप मुझे बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो उसके बाद हम बात करेंगे. बताइए बताइए, मैं सुन रही हूँ. और खासियत कीजिए मेरी, मेरी कोई और, कुछ और अच्छी बातें सुनना चाहती हूँ. मेरे हेयर कट के बारे में बताइए, मेरे शॉर्ट हेयर लुक के बारे में कुछ तो बताइए. बोली कैसी लग रही हूँ मैं. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू हियर. आई हैव गॉन शॉर्ट विद द हेयर स्टाइल. मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट नहीं थी क्योंकि कैरेक्टर है ईशानी का, बाल छोटे हैं, बड़ी स्टाइलिश कपड़े पहनती है. बाय द वे ये ईशानी का लुक है. दिस इज नॉट ईशानी, स्टाइलिश डॉक्टर. एंड आई थिंक मैं इंस्पायर भी करना चाहूँगी कि हमें देखिए डॉक्टर अच्छे कपड़े पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप अच्छे दिख सकते हैं ऐसे कपड़े पहन के. सो आइडिया गलत नहीं है इन द सेंसेस.
ऐसे इधर की उधर करेगा, लेकिन उसके पीछे जो मुद्दा होगा या मोटिव होगा वो अच्छा मोटिव होता है। बट ये लड़की हमेशा उसको तभी पकड़ती है जब वो गलत काम कर रहा होता है, अच्छा कर रहा होगा, यू नो, सो वो एक प्रॉब्लम। बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी नाइस केमिस्ट्री, बहुत अलग हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक जब दो लोग डिफरेंट सोच के होते हैं उनमें केमिस्ट्री बड़ी होती है। काफ़ी कोई भी वीडियो